हो रहा है ये? रुक जा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वही राक्षस है जिसके पापी हाथों ने अनाथ आश्रम को मासूम बच्चों की चिता बना दिया था। तो क्या अनाथ आश्रम को इसी ने उड़ाया था? हाँ, यही है वो दरिंदा। जब्बर सिंह, जिंदगी तो तूने जालिम बनकर गुजार दी, अपने इस गुनाह का भी इतराफ कर ले, शायद नीले आसमान वाला उसकी अदालत में तेरी कुछ सुनवाई हो सके। इतराफ कर ले। ये जो कुछ कह रहा है सच है। उस हादसे वाली रात तुम यहां से निकले कैसे? मुझे आपके असिस्टेंट चौधरी ने यहां से तुमने हमसे विश्वासघात क्यों किया? मैं बेकसूर हूं। ऐसे क्यों किया बोलो? अगर बेकसूर हो तो आंखों से आंखें मिलाकर क्यों नहीं कहते? नहीं सर, मैं सच कहता हूं, मैं बेकसूर हूं सर। तुम बेकसूर नहीं, क्या ये झूठ है? जिस कानून की हिफाजत का जिम्मा उठाते हो उसकी रगों में तुमने जहर घोल दिया। क्या ये झूठ है कि तुमने ही जब्बर सिंह जैसे कातिल को जेल से जाने दिया? देखो, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो शायद तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाए, वरना जिन बच्चों का बचपन तुम्हारी वजह से जिंदा जल गया उनकी सिसकियां और उनकी चीखें तुम्हें जिंदगी भर बताती रहेंगी। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खूनी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगा, वरना मैं जब्बर सिंह को जेल से किसी हालत में नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मिनिस्टर साहब ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था सर। चौधरी ने राणा प्रताप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसकी गवाही मेरी बर्बादी बन जाएगी शक्ति सिंह। तुम चिंता मत करो भंडारे, हाँ चौधरी तुम्हारी बर्बादी के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। चौधरी सर, मुझे बेनी प्रसाद के लोगों ने मारा है। बेनी प्रसाद, क्या बात है? जुल्म की कहानी बहुत देर तक नहीं दोहराई जा सकती। तुम सर से पांव तक बेगुनाहों के खून में डूबे हुए हो। कौन सा खून? अनाथ आश्रम में जल गए हुए मासूम बच्चों का खून, असिस्टेंट जेलर चौधरी का खून। क्या सबूत है इन बातों का? हर हत्यारा समझता है कि उसकी चालाकी सब सबूत मिटा देगी, भूल जाता है कि जब खून चमकता है तो जम जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है और फिर चीख चीख कर पुकारता है कि मेरा इंतकाम लो, मेरा इंतकाम लो। इंतकाम की बात बाद में करना जेलर, सबसे पहले अदालत को ठोस सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारे पास दौलत है, पुलिस है, ताकत है, इन सब की शक्ति है, इन सब का वसीला है हमारे पास। वसीला, सबूत? हमारे पास सबूत है, वो सबूत जो तुम्हारी हर ताकत हर वसीले को मिटाकर तुम्हें अदालत में सबके सामने नंगा करके खड़ा कर देगा। क्या कहा? यही कि जिस असिस्टेंट जेलर के बारे में तुमने समझा था कि मर चुका है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है, और कल का दिन चढ़ते ही वो भरी अदालत में जीता जागता पेश होगा। अफसोस, तुम पर सद अफसोस। बड़े शर्म की बात है, एक मामूली आदमी को नहीं मार सके। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तिलक थारी की गोली लगे और कोई बच जाए? बच जाए? हाँ, बच गया वो, जिंदा है वो। राणा प्रताप ने उसे किसी अस्पताल में छुपा रखा है, इससे पहले कि वो तुम्हारी अर्थी का सामान बन जाए। खत्म कर दो उसे।
मुर्दे को दोबारा नहीं मारा करते, नहीं तो मुर्दा जाग उठता है। लल्लू देख, आगे मत बढ़ना, चक्कू मार दूंगा। अरे हाथ तो तेरे कांप रहे हैं, तू चक्कू क्या मारेगा? ले जाओ इस लल्लू उस्ताद को इसके घर, घर पुलिस लॉकअप में। सुनो जेलर आना, हम सिंह बोल रहे हैं, ठाकुर शक्ति सिंह। तुम अपने पांव जेल तक ही रखो, उन्हें अनाथ आश्रम तक ले जाने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे। हेलो हेलो, एक मामूली सा जेलर और शक्ति सिंह के साथ टक्कर, हाँ? उसने फोन रखकर खुद अपनी जबान को हमेशा के लिए बंद कर लिया है। मुझे वो जेलर चाहिए अभी और इसी वक्त, जिंदा या मुर्दा। हाँ, get up! जेलर साहब, आप लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहां पर खींच लाई है। इस खिलौने को संभाल के रखो, रात को मच्छर मारने के काम आएगा। देखो जेलर, तुम हमारे और उस आश्रम के बीच में मत आओ, हाँ? हम उस जमीन के मालिक हैं। तुम उस जमीन के मालिक नहीं हो, उस जमीन की मालिक है निशा, सेठ रंजीत की बेटी और विवेक की होने वाली बीवी। इस जमीन के मालिक बनने के ख्याल को दिन का देखा हुआ सपना समझकर भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। क्या बकवास कर रहे हैं? निशा की शादी और शक्ति सिंह से? आपने ये सोचने की हिम्मत कैसे की? इसमें खफा होने की क्या बात है भाभी जी? क्या कमी है शक्ति सिंह में? जवान है, खूबसूरत है, दौलतमंद है। मुझे पता है, इसने ये दौलत खून खराबे से कमाई है। माँ जी, खबरदार जो अपनी शैतानी जबान से मुझे माँ कहा तो। तुम लोगों की काली करतूत मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आश्रम की जमीन तुम लोग हड़पना चाहते थे, उन बच्चों की जिंदगी से खेलना चाहते थे। आश्रम को तुम लोगों ने तहस नहस कर दिया। मेरे पति का खून आश्रम के लोगों की वजह से नहीं, बल्कि तुम लोगों की वजह से हुआ। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी का हाथ तुम जैसे दरिंदे के हाथ में कभी न दूं। अरे तू क्या लेगी बुढ़िया, तेरी आंखों के सामने मैं तेरी बेटी के साथ शादी करूंगा, रजामंदी के साथ, नहीं तो साली को उठा के ले जाऊंगा मैं। कमीने, जितना मारना है मार, लेकिन अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शक्ति, क्या कर रहे हो? हट। तू ठीक कहती है बुढ़िया, हाँ? तेरे जीते जी नहीं, तेरे मरने के बाद ही सही। ये क्या किया शक्ति सिंह, तुमने खून कर दिया। हाँ खून किया मैंने, इस बुढ़िया का नहीं, किसी की मोहब्बत का, किसी की मोहब्बत का खून किया मैंने। क्या मतलब? नहीं समझे? आओ समझाता हूं मैं। निशा, निशा, कमाल है, घर में कोई भी नहीं। निशा माजी, माजी, माजी। नहीं सर, मैंने खून नहीं किया। हर कातिल यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। हा? यकीन मानिए सर, मैं कुछ जानता नहीं है कैसे हुआ। मैं अभी पता चल जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी आंखों के सामने सुमित्रा देवी का खून किया है, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। इसका फैसला अदालत करेगी। चलो, यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहे हैं।
निशा तुम सोच सकती हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं विवेक, मैं जानती हूँ तुम मेरी माँ की खूनी नहीं हो सकते, मगर दुनिया वाले। मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी। तुम मुझे गलत मत समझना, वरना तुम्हारा विवेक जीते जी मर जाएगा, मर जाएगा तुम्हारा विवेक। समझ में नहीं आता कि वो कौन है जो मुझे तुम्हारी नजरों से गिराकर तुमसे दूर करना चाहता है। हम जानते हैं कि ये खून विवेक ने नहीं किया। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि खून किसने किया है? जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये खून किसने किया है, और अगर हम चाहें तो विवेक को बचा भी सकते हैं। अगर भंडारी अदालत में यह गवाही दे दे कि उसने अपनी आंखों से विवेक को खून करते हुए नहीं देखा, तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट में विवेक को रिहा करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अनाथ आश्रम की सारी जमीन दे दूंगी। बस मैं अपनी सारी दौलत आपके नाम कर दूंगी। बस विवेक के लिए मैं अपनी जान दे दूंगी। यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर करना ही है तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तुम विवेक से प्यार करती हो, उसकी जिंदगी बचाना चाहती हो, तो ऐसा ही होगा। नहीं, मैं अदालत को सच्चाई बताऊंगी। विवेक को बचाने के लिए मैं दुनिया का बड़े से बड़ा वकील खड़ा करूंगी। दुनिया का कोई भी बड़ा वकील नेता भंडारी के चश्मदीद गवाही के सामने कुछ नहीं कर सकता। विवेक को अदालत में पेश करने से पहले अगर तुमने हमारे साथ शादी नहीं की, तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ऐसा, समझे? ऐसा ही होगा। विवेक को अदालत में पेश करने से पहले अगर तुमने हमारे साथ शादी नहीं की, तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। तो फांसी का फंदा विवेक की तकदीर बन जाएगा। विवेक, अरे विवेक, तुम यहाँ कैसे आ गए? भैया बता बता क्या बात है? भैया मैं आश्रम में काम कर रहा था कि अचानक मुत्तू स्वामी सेठ रंजीत सिंह का पीए वहां है, और उसने मुझे बोला कि निशा ने बहुत जरूरी काम से मुझे घर बुलाया है। जब मैं वहां पहुंचा तो निशा वहां नहीं थी, बल्कि निशा की माँ की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। तभी मिनिस्टर बैनी प्रसाद पुलिस के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया।